मंगलवार 4 जून लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का दिन है। वोटों की गिनती जारी है। इस बीच हिमाचल की मंडी सीट से बड़ी खबर सामने आ रही है। मंडी संसदीय सीट से कंगना रनौत ने जीत हासिल कर ली है। कंगना रनौत ने कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह को पटखनी दे दी है। आपको बता दें कि कंगना ने विक्रमादित्य सिंह 70,000 से अधिक वोटों से हराया है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में इस सीट पर उपचुनाव हुए थे जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने कंगना रनौत को यहां से प्रत्याशी बनाया था। वहीं कांग्रेस ने मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा था। इस लोकसभा सीट पर अंतिम चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। मंडी में 71% मतदान हुआ था। आपको बता दें कि मंडी लोकसभा क्षेत्र में अभी तक 19 बार संसदीय चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 13 बार कांग्रेस को जीत मिली है। विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह और मां प्रतिभा सिंह भी 3-3 बार जीत चुकी हैं। इस सीट से 6 बार गैर कांग्रेसी नेता भी जीत चुके हैं। 1977 में गंगा सिंह पहली बार जनता पार्टी के टिकट से जीते, फिर राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989 में भी उन्हें सफलता मिली। 1998 और 1999 में भी वह फिर बीजेपी के टिकट पर जीते। 2014 और 2019 में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस को लगातार हराकर परचम बुलंद रखा। 2021 के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने यह सीट बीजेपी से छीन ली थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मंडी सीट से बीजेपी रामस्वरूप शर्मा ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में रामस्वरूप शर्मा को 6,47,189 वोट मिले थे, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 2,41,730 वोट हासिल हुए थे। लेकिन इस बार कंगना रनौत ने विक्रमादित्य सिंह को 70,000 के बड़े अंतर से हरा दिया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।